हेलो फ्रेंड्स, लेवल ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे आज का दिन का जो ट्रेडिंग सेशन रहा, जो स्टॉक हमने पिछले दिन ही सजेस्ट किए थे, मतलब ये वाले वीडियो पे, तो उन सारे स्टॉक का हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि आज कैसे परफॉर्म किए। साथ ही साथ कुछ स्टॉक कल के लिए भी देखेंगे, मतलब 4 मार्च 2020। तो रोज इस चैनल के माध्यम से जो है डेली टू डेली स्टॉक की एनालिसिस वीडियो आपको मिलती रहती है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे है, वहां जाके आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो विदाउट एनी मिस्टेक चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो स्टॉक मैंने आपको सजेस्ट किए थे वो सारे स्टॉक आपको अभी स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं, जैसे सन फार्मा, बालकृष्ण इंडस्ट्री, आईटीसी एंड कोटक बैंक। तो सन फार्मा में अगर मैंने देखे, सन फार्मा में मैंने बोला था कि यहाँ पे उसके लिए सपोर्ट है जो कि क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे 3 बार इसने सपोर्ट लिया था इस रेंज से, यू वन डे का कैंडलस्टिक चार्ट है। तो उसके बाद मैंने बोला था कि इसको आप बिल्कुल बाय साइड पे बना के रखिएगा, क्योंकि अभी जो है क्लोजिंग बिल्कुल उसी रेंज में आके दिया था, मतलब कल का जो क्लोजिंग था रेंज के विदिन हुआ था। तो इसको मैंने बोला था कि इसको बाई साइड पे बना के रखिएगा, अगर मार्केट थोड़ा भी ऊपर जाता है तो स्टॉक में एक जबरदस्त अप मूव जो है देखने को मिलेगा। जिसके चलते अगर आप देखें तो सन फार्मा में 6.51% का अप मूव इंट्राडे में ही मिल रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 6.5 लगभग 7% का जो है मोमेंटम इंट्राडे में बहुत ही बड़ा होता है ना। सन फार्मा में आप जो है ट्रेड ले सकते थे अकॉर्डिंगली। देखिए कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल इसमें बनाई हुई है। निफ्टी में आज ऊपर गया है, निफ्टी 1.53% का ऊपर गया है, जबकि सन फार्मा 6.51% ऊपर गया है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्री का। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है ड्रॉ किया हुआ था लाइन, लेकिन अभी विजिबल नहीं है, मैं फिर से आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये यहाँ पे एक चैनल का पैटर्न था, आप देख सकते हैं इस चैनल के विद इन दैट चैनल, यहाँ पे एक चैनल था और यहाँ पे भी एक चैनल था, ठीक है, दोनों ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो इस जो चैनल को, इस चैनल को इसने ब्रेक डाउन दिया था नीचे की ओर, मैंने बोला था इसके नीचे अगर ये जाता है स्टॉक, है ना, मतलब कल का जो लो बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए लो कितना वैल्यू आ रहा है 1051 या 1050 के नीचे जाता है तो फिर इसमें एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो आज इसने इस लेवल को टेस्ट ही नहीं किया है, आप देख सकते हैं इसने जो लो बनाया है 1066, तो टेक्निकली इसमें हमारा ट्रेड नहीं बना, लेकिन इसको जो है आप ऑब्जर्वेशन पे रख सकते हैं कल के लिए। कैसे? क्योंकि इसमें थोड़ा रिट्रेसमेंट मिला है, अगर ये कहीं पे भी डाउनफॉल देखने को मिलता है, मतलब 5 मिनट में आप इसका जो है ट्रेंड लाइन बनाइए और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे आप सेल साइड पे जरूर इसमें ट्रेड करें। तो इसमें जो ट्रेंड लाइन बनेगा, यहाँ पे एक स्विंग लो से लेके इस स्विंग लो को जोड़ के आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना सकते हैं कल के दिन के लिए, मैं बोल रहा हूँ। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है नीचे की ओर, है ना, नीचे से ब्रेक करता है नीचे की ओर, तो फिर इसमें जो है एक डाउनफॉल जरूर देखने को मिलेगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखते हुए ये कल के लिए आप रख सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है आईटीसी का। इसको मैंने बोला था क्योंकि वीकली चार्ट पे अगर आप देखें तो ये एक बेहतरीन जो है उसके लिए, उसके सपोर्ट रेंज के आसपास है, तो कहीं ना कहीं एक इसको सपोर्ट इस रेंज से जरूर मिलनी चाहिए। तो वो सपोर्ट उसको आज नहीं मिली, लेकिन कहीं ना कहीं मिलेगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए मैंने इसको बाय साइड पे रखा था। तो आज अगर आप देखें तो आज इसमें डाउनफॉल देखने को मिला है और इसमें बाय हुआ ही नहीं है। कहीं पे भी अगर 5 मिनट चार्ट पे अगर जाके देखें तो कहीं पे भी आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का साइन नहीं मिला है। अगर एक ट्रेंड लाइन जो है ड्रॉ करते हैं स्विंग हाईज को जोड़ के, तो देखिए ये एक ट्रेंड लाइन बनता है स्विंग हाई को जोड़ के, मतलब प्रीवियस डे का जो स्विंग हाई था वो तीनों स्विंग हाई को जोड़ के ये ट्रेंड लाइन बनता है। तो आज का दिन जो ट्रेड किया इसने पूरा वो ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड करता गया है, तो बिल्कुल कहीं पे भी हमारा जो है अपॉर्चुनिटी इसमें बाई साइड पे बनी नहीं है। सॉरी, नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है कोटक बैंक का। कोटक बैंक को मैंने बोला था कि इसमें वन डे चार्ट में देखें तो आपको समझ में आएगा, ये बिल्कुल उसके सपोर्ट के आसपास है ना। इसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी दिया हुआ था, इसको बिल्कुल मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे इसके लिए पहली बार सपोर्ट है, यहाँ पे सेकंड टाइम सपोर्ट है, यहाँ पे थर्ड टाइम सपोर्ट है और फोर्थ टाइम अभी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ चुका था। साथ ही साथ 200 डेज का मूविंग एवरेज बिल्कुल नीचे था, ये सपोर्ट जोन भी था, तो इसके लिए बाउंस बैक की जरूर इसमें उम्मीद की जा सकती थी, जो कि बाउंस आज देखने को मिला है। 1.71% का जो है इसमें मोमेंटम अपसाइड और देखने मिला है, आप देख सकते हैं। इस पे आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे भी ट्रेड कर सकते थे अगर आप ऐसा ट्रेड करना चाहे, तो फिर ये स्विंग हाई को और ये स्विंग हाई को इन दोनों को जोड़ के
अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इसने रेस्पेक्ट देके इस ट्रेंड लाइन को नीचे गया है, फिर जब इसने इस ट्रेंड लाइन ये जो हाई है ये जहाँ से रेस्पेक्ट दिया था उसको ब्रेक किया, तो आप इसमें बाय पोजीशन अपना लगा सकते थे और जिन्होंने मिस किया यहाँ पे भी बाय कर सकते थे रिट्रेसमेंट के बाद। उसके बाद देखिए कितना अच्छे तरीके से इसमें अप मूव देखने को मिला। तो क्विकली देख लेते हैं कल के लिए कुछ स्टॉक, ज़्यादा स्टॉक तो मैंने एनालिसिस किया नहीं क्योंकि आज जो मेरे ट्रेड्स हैं वो मैंने ट्रेड कोई भी किया नहीं है एक्चुअली। आप देख सकते हैं कोई भी ट्रेड आज हुआ नहीं है, और कल के दिन भी मैंने आपको पोजीशन अपना दिखाना भूल गया क्योंकि ये जो वीडियो रिकॉर्डर मैं यूज कर रहा हूँ मैं दो बार बनाने के बाद 15-15 मिनट का वीडियो वो सेव नहीं हो पाया, सेव में कुछ एरर आया, इसलिए मैं तीसरी बार जो है वीडियो बनाया था कल इसके लिए बहुत ही जल्दी बनाया और मैं भूल गया आपका पोजीशन दिखाना। अपना पोजीशन कुछ भी नहीं है, आज भी कोई भी ट्रेड नहीं मिला। तो जब हम ट्रेड करेंगे आपको दिखाएंगे, हर रोज मैं दिखाता हूँ और मेरा जो पोजीशन है जिस दिन ट्रेड करता हूँ उस दिन भी दिखाता हूँ, जिस दिन नहीं करता उस दिन भी दिखाता हूँ। तो पहला जो स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक का। तो एक्सिस बैंक में अगर आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक में देखिए ये एक रेंज था जिस रेंज को इसने ब्रेकडाउन दिया था। तो देखिए आप यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है और आज का दिन देखिए एक कंसोलिडेटेड आप बोल सकते हैं क्योंकि 0.43% का जो है मोमेंटम हुआ है। तो इसमें दो व्यू बनते हैं है ना, एक तो व्यू है कि इसके जो सपोर्ट है अगर आप देखेंगे यहाँ पे वीकली चार्ट में, अगर आप मैं आपको करके दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए वीकली चार्ट में अगर आप देखें तो बिल्कुल ये सपोर्ट के आसपास है ना, क्योंकि वहाँ पे 1, 2, 3, 4 टाइम इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, अभी 5th टाइम ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो ये बनता है कि यहाँ पे जो इस वीक का जो लो बनाया हुआ है, जो लो बनाया है 675 का, अगर 675 ये नीचे जाता है तो फिर इसमें एक डाउनफॉल और आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको नहीं मिलता है देखना तो यहाँ से उम्मीद है कि एक बाउंस बैक उसको जरूर लेके जाएगा ऊपर की ओर। तो इसको 5 मिनट चार्ट में आप जरूर बना के रखें। पहला जो आपका व्यू रहेगा वो है वाई साइड पे रहेगा अनटिल एंड अनलेस ये 675 का जो लेवल है उसको ब्रेक ना करे नीचे की ओर। अगर नीचे की ओर ब्रेक करता है फिर आपका जो है सेल साइड पे व्यू रहेगा है ना। अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है कि जो कि ये स्विंग हाई को जोड़ के, ये स्विंग हाई को जोड़ के, इन दोनों ट्रेंड लाइन को आप जोड़ दें। अभी एक चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि 200 एज मूविंग एवरेज बिल्कुल कल उसके यहाँ पे आ चुका होगा, तो इस चीज को ध्यान रखें कि ये जब तक 200 एज मूविंग एवरेज को क्रॉस ना करे तब तक आप बाय ना करें। क्रॉस करके फिर वहां पे सस्टेन होना चाहिए, फिर रिट्रेसमेंट पे प्राइस एक्शन का क्रिएशन जब होता है आप वहां पे एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है अरविंद ओरो फार्मा का। तो ओरो फार्मा को मैं आपको दिखाता हूँ इसको वन डे चार्ट पे। तो देखिए यहाँ पे देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे इसके पास सपोर्ट है क्योंकि यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 2nd टाइम, यहाँ पे 3rd टाइम, यहाँ पे 4th टाइम इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए इसको आप बाई साइड पे जरूर नजर बना के रखिए क्योंकि 200 एज मूविंग एवरेज यहाँ है, शायद यहाँ तक एक मोमेंटम आपको मिल जाए, नहीं तो फिर इंट्राडे में आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिलनी चाहिए स्टॉक में। तो इसको आप जरूर नजर बना के रखें। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है टीसीएस का। टीसीएस को मैंने पहले भी आपके लिए सजेस्ट किया हुआ था, इसको वन डे चार्ट में जाके देखते हैं। तो देखिए वन डे चार्ट में अगर आप देखते हैं तो नीचे की ओर अगर आप देखें तो नीचे की ओर से यहाँ पे उसके लिए सपोर्ट है जो ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकडाउन किया, साथ ही साथ ऊपर की ओर यहाँ इस जोन से उसके लिए रेजिस्टेंस बन रहा था। अभी क्या किया है स्टॉक ने, इस जोन को जो है इसने ब्रेकडाउन दिया हुआ है। ब्रेकडाउन देने के बाद एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे उसके लिए सपोर्ट बिल्कुल है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इस जोन से उसके लिए सपोर्ट बिल्कुल है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन में आपके सामने दिखा रहा हूँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ से गुड बाउंस बैक की उम्मीद थी जो कि आज उसमें मिली है ना। तो इसमें अभी जो है आपका व्यू होना चाहिए नेगेटिव साइड पे क्योंकि इसमें अच्छा खासा ब्रेकडाउन हुआ, हो सकता है कल के दिन थोड़ा ऊपर जाए फिर वहां से ब्रेकडाउन नेगेटिव साइड पे आना शुरू हो जाए। तो इस चीज को आप बिल्कुल ट्रेड लाइन इस पे आप ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे इसको ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है वोल्टास का। वोल्टास का देखिए यहाँ पे उसके लिए सपोर्ट है, यहाँ पे उसके लिए सपोर्ट है, यहाँ पे उसके लिए सपोर्ट है। इस ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पे 6 अच्छे प्राइस पे इसको मिले, इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप जरूर लेके जा सकते हैं क्योंकि इस स्टॉक को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए सजेस्ट किया हुआ था और ये स्टॉक वहाँ से अगर आप देखें तो लगभग 7-8% का मोमेंटम इसमें हो चुका है, लेकिन अभी ये करेक्टिव मूव में आपको अच्छा खासा पोजिशन पे आपको मिल रहा है बाय करने के लिए, जो कि मैंने 686 के आसपास मैंने
खुद लिया हुआ है, तो इस चीज को आप ध्यान रखते हुए 686 के आसपास, अभी ये 690-88 पे मिल रहा है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं बोला इसको जो आप सेल आउट करेंगे वो अप्रैल फर्स्ट वीक में आप इसको सेल आउट करेंगे। तो ये सारे स्टॉक जो है बहुत ही अच्छे पोजिशन पे मिल रहे हैं, तो बिल्कुल आप नजर बना के रखिए, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।